यह वाक्या सन 1962 का है, जब 1947 में आए उस खूनी जलजले में अपना सारा परिवार खो चुके अवतार सिंह अपने दोनों बच्चों गुरमेल और अजीत के साथ पहली बार वापस अपने घर पाकिस्तान आते हैं। बापूजी, हमें तो ननकाना साहिब जाना था ना, तो हम ये कौन से रास्ते चल पड़े? अगर हम यहाँ ना उतरते ना, तो ये रेलगाड़ी हमें सीधे ननकाना साहिब लेकर जाती। बच्चों, जाना तो हमने पहले ननकाना साहिब ही था, पर तुम्हारे चाचा असलम है ना, वो भी अपने साथ जाएगा ननकाना साहिब। बापूजी, वो तो एक मुसलमान है ना, एक मुसलमान होकर गुरुद्वारा जाएगा, मुझे तो लगता नहीं। बेटे, कुछ रूहें जात मजहब की नहीं, सिर्फ उस रब की होती हैं, उस रब की, और ऐसी ही एक रूह है असलम। बापूजी, ये असलम कौन है, मुझे भी तो बताओ। अरे वही, जैसे हिंदुस्तान आने से पहले बापूजी ने सारी जमीन जायदाद फ्री में दे दी, यहाँ तक की हवेली भी, है ना बापूजी? नहीं पुत्र, असलम खुदा का एक नेक बंदा है, इसने 47 के समय अपनी जान पर खेलकर कई सिख परिवारों को बॉर्डर पार करवाया, उनकी जान बचाई, उसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर उनको हम अपनी जायदाद ना देते तो अभी उन पर कोई ना कोई कब्जा कर ही लेता। आखिर कितनी दूर है अपना घर? वो आ गया अपना गांव। असलम भाई, तुम्हारे हिंदुस्तान के दोस्त आ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे दोस्त आ गया। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस जहां में बस दो यार, एक असलम एक अत्तार। इस जहां में बस दो यार, एक असलम एक अत्तार। खुशामदीद मेरे यार, खुशामदीद। कैसा है दोस्त, अपनी जड़ों से दूर जाकर एक पेड़ कैसा हो सकता है? तो सुना। बस पहले जिस्म था, अब जान आ गई। पहचाना नहीं? नहीं। तेरे भतीजे गुरमेल थे अजीत। गुरमेल अजीत? हाँ, गुरमेल अजीत, बचपन में तेरे कंधे पर खेलते रहे, ये भूल गया? ओए, मिलोगे नहीं अपने चाचा को? इनके केस, पगड़ी। ओ चाचा जी, ये तो आजकल का फैशन है। और चाचा जी, अगर हमने केस नहीं भी रखे और पगड़ी नहीं भी बांधी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिख नहीं हैं। सिख ही तो हमारे दिलों में है और हमारे मन में है। बच्चों,
काश ये बात तुम अपने पिताजी को समझा पाते। पर चाचा आप तो एक मुसलमान हो ना, फिर आपको इन बातों से इतनी तकलीफ क्यों? तकलीफ देखनी है, तकलीफ देखनी है, आ दिखाता हूं तकलीफ। ये जो जमीन देख रहे हो ना, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है उससे भी आगे तक थी तुम्हारे पिताजी अवतार सिंह की जमीन। इस तरफ 2 किलोमीटर आगे तक सूखे मेवों के बाग थे तेरे पिताजी के, और सिर्फ सिर्फ एक चीज के लिए छोड़ गया। काबुल कंधार से लेकर दिल्ली तक सूखे मेवों का व्यापार था तुम्हारे पिताजी का, एक पल में छोड़ गया सिर्फ एक चीज के लिए। हवेली के पीछे तबेले में दर्जनों घोड़े ऊंट और बैल थे, एक झटके में छोड़ गया सिर्फ एक चीज के पीछे। आखिर किस चीज के लिए चाचा जी? किस चीज के लिए? ये सर पर सजी पगड़ी के लिए। याद है ना अवतार, कुछ गलत नहीं कह रहा ने मैं? मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो अपने नबी से मांग, जिसने तुम्हारे लिए इस पगड़ी के लिए अपने सारे खानदान को कुर्बान कर दिया। माफी मांगनी है तो उन मासूम बच्चों से मांगो जिन्होंने दीवारों में चिना जाना कबूल किया पर झुकना कबूल नहीं किया। माफी मांगनी है तो चमकौर में पड़ी उन लाशों से मांगो जिन्होंने कुर्बान होना कबूल किया पर पगड़ी को नहीं झुकने दिया। माफी मांगनी है तो शहीद भाई तारू सिंह से मांगो जिन्होंने अपनी खोपड़ी उतरवाने कबूल की लेकिन केस कत्ल करवाने में कबूल नहीं किया। माफी मांगनी है तो खैर छोड़ा अवतार, किस किस से माफी मांगोगे? जमीन जायदाद भी गवाई और सिक्खी भी नहीं संभाली गई तुमसे, ऐसे घाटे का सौदा तो कभी नहीं किया मेरे दोस्तों ने। अगर यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी ये सब कुछ होने की? क्यों ये हवेली, ये शाही जिंदगी छोड़कर अनजान देश में अनजान लोगों के बीच शरणार्थी बन करेंगे? क्या जरूरत थी तुमको? अपना देश कौन सा बुरा था? तू ही कहता था ना अवतार, हिंदू सच्चा हिंदू बने और मुसलमान सच्चा मुसलमान बने, सिख सच्चा सिख बने। देख तेरे ये अल्फाज हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहे, देख मेरी तरफ, मैं सच्चा मुसलमान बन गया। पर तू, मैं औलाद के मोह में बह गया असलम। जरा सोच, अगर जंग में बच्चों को भेजते समय उसे भी औलाद का मोह आ जाता तो? तू ही कहता था ना कि हम उसकी औलाद हैं जो चिड़ियों से बाज तुड़वाता है और 1.25 लाख से एक लड़ाता है। तू दो बच्चों से हार गया अवतार। ये क्या कर रहे हैं आप? अब बस भी कीजिए, घर आए मेहमान से क्या कोई इस तरह बात करता है? नहीं सलमा, आज कह लेने दो इसे। ऐसे लग रहा है जैसे मुद्दत बाद आईना देख रहा हूं, और जब किसी माली का बाग उजड़ रहा हो ना तब उसे इतला करना जरूरी है ताकि वक्त रहते वो संभल सके, और अब मैं संभल गया हूं। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है।